अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज एमआई 10 का नया अपडेट है जो कि क्लोज बीटा रॉम है। ये दोस्तों सिर्फ उन लोगों को मिला है जो कि बीटा टेस्टर्स हैं, लेकिन इसे लीक कर दिया गया और लीक होने के बाद से हमें मिला तो मैंने इसे टीवर पर रिकवरी से फ्लैश किया और सोचा कि इस बार कुछ तो नई चीजें मिलेंगी हमें। मैंने सोचा कि इस बार कुछ तो नया आएगा, हो सकता है कि कैमरा का इंटरफेस बदल जाए, हो सकता है कि फेस अनलॉक आ जाए, हो सकता है कि पोर्ट्रेट मोड आ जाए, और मैंने उसी में 1.5 GB वेस्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 1.5 GB वेस्ट कर दिया। मतलब क्या बताऊं, जब से ये अल्फा बीटा क्लोज बीटा चल रहा है ना, तब से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे कि कौन सा रॉम मैं फ्लैश करूं, क्योंकि यहाँ पे चाइना बीटा मौजूद है, चाइना अल्फा मौजूद है, चाइना क्लोज बीटा मौजूद है, उसके बाद पब्लिक ग्लोबल बीटा मौजूद है, क्लोज ग्लोबल बीटा मौजूद है, क्लोज अल्फा मौजूद है ग्लोबल का। तो इस तरह से बहुत सारी रॉम्स, 6-7 तरह की रॉम्स अभी अवेलेबल है और एक एक रॉम को फ्लैश करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 1.5 GB हर रोज डाउनलोड करना, फ्लैश करना और ये उम्मीद लगाना कि कोई नई फीचर आ जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है और Xiaomi कह रहा है कि इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि MIUI 10 में सबसे कम बग्स मिले, इस वजह से जो है हमें उतनी ज्यादा फीचर्स नहीं दे पा रहे अभी फिलहाल। लेकिन अल्फा रॉम तो काफी ज्यादा स्टेबल थी यार। अगर मैं Redmi Note 4 की बात करूं, जो कि मैंने 8/6/19 का जो रिव्यू किया था, उसमें जो अल्फा रॉम था Redmi Note 4 में चाइना में, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल था। तो मैंने सोचा था कि हो सकता है कि बहुत ही जल्दी वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन अल्फा रॉम के फीचर्स अभी भी बीटा रॉम में नहीं मिले हैं, यानी कि अभी भी अल्फा रॉम से लगभग 4-5 हफ्ते पीछे है हमारा यह बीटा रॉम। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो क्लोज बीटा रॉम हो चाहे वो पब्लिक बीटा रॉम हो, वो 4-5 हफ्ते पीछे है। और जो Redmi Note 4 है उस पे तो अभी कैमरा इंटरफेस बिल्कुल पुराना ही वाला है, और जैसा दोस्तों 8/6/3 का या 8/6/5 का मैंने रिव्यू किया था, बिल्कुल सेम है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक दो चीजों को चेंज कर देते हैं जिनका उतना ज्यादा कोई मायने रखता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जो भी आपको क्लोज अल्फा रॉम, क्लोज बीटा रॉम आ रहा है, जो भी दोस्तों पब्लिक बीटा रॉम आ रहा है, तो बस पब्लिक बीटा रॉम को ही फ्लैश करने के बारे में सोचिए। अभी आप अपने डेटा को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों वहां पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। जिस दिन ज्यादा कुछ चेंजेस मिलेंगे, मैं जरूर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि आपको ये रॉम फ्लैश करना ही चाहिए, चाहे वो अल्फा रॉम हो, चाहे वो बीटा रॉम हो, चाहे वो पब्लिक बीटा रॉम हो, चाहे वो क्लोज बीटा रॉम हो, चाहे वो कोई सा भी रॉम हो, चाहे वो स्टेबल रॉम हो। अगर कोई भी ऐसा रॉम आता है जिसमें मुझे ज्यादा अच्छे फीचर्स मिले, जिसमें मुझे लगे कि हाँ भाई ये डिजर्व करता है फ्लैशिंग करना, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी फिलहाल कोई भी लीक रॉम को आप लोग फ्लैश मत कीजिए, क्योंकि उसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। मैं Redmi Note 4 की स्पेशली बात कर रहा हूँ और Redmi Note 5 Pro की, मैंने दोनों पे ही टेस्टिंग किया और कुछ ज्यादा चेंजेस हमें मिले नहीं है, वही पुरानी चीजें मिल जाती हैं। और Redmi Note 4 पे तो भाई अभी भी फेस अनलॉक, पोर्ट्रेट मोड या फिर कुछ भी 4K रिकॉर्डिंग या 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग, जबकि दोस्तों 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग हमें चाइनीज अल्फा में मिल जाता था, लेकिन यहाँ हमें नहीं मिल रहा अभी भी दोस्तों क्लोज बीटा रॉम में भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब पब्लिक बीटा रॉम आए तो उसे ही पब्लिक बीटा रॉम को इस्तेमाल कीजिए धीरे धीरे करके। अभी फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और अपना डेटा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा बुरा फील हुआ यार। आज पूरा दिन मैं घर पे रह करके 1.5 GB डाउनलोड किया, नेट बहुत स्लो था, और उसके बाद मैंने देखा कि ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, तो काफी ज्यादा बुरा फील हुआ। तो बस यही मैं रिक्वेस्ट करने आया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8/7/10 में क्या नया है। तो बस कहा जा रहा है कि सिस्टम को स्टेबल कर दिया गया, बग को फिक्स कर दिया गया है, और इसमें हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ यह कि एम्बिएंट डिस्प्ले को हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि Redmi Note 4 में हमें बहुत ही अच्छा एक एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल रहा है, वो ऑप्शन दोस्तों अब हमें देखने को मिलता ही नहीं है। वो दोस्तों मैंने देखा कि वहां पे है ही नहीं, ना तो दोस्तों जेस्चर आया, जेस्चर को भी अल्फा रोम से हटा दिया गया था, तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले को तो बीटा रोम से ही हटा दिया गया है। तो पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं Xiaomi वाले, या फिर हो सकता है कि डेवलपर ज्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और स्टेबल बनाने की कोशिश में अभी ज्यादा फीचर्स को नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जैसा भी है दोस्तों, अभी कोई भी रोम फ्लैश करने लायक नहीं है, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मत कीजिए फ्लैश जब तक कि पब्लिक बीटा रोम ना आ जाए। और जब पब्लिक बीटा रोम भी आएगा ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फीचर्स मिलेगा, जो पब्लिक बीटा रोम आएगा वो भी दोस्तों अल्फा रोम से बहुत ही ज्यादा पीछे होगा, 1-1.5 महीना पीछे होगा, और उसके बाद ही दोस्तों आपको कुछ मिल पाएगा। तो मैं कहूंगा कि आप लोग बस सब्र रखिए, 2 महीना आपको इंतजार करना पड़ेगा बेहतर फीचर वाले MIUI 10 के लिए। अभी जो है MIUI 10 है वो बस समझ लीजिए कि एक UI को चेंज कर दिया गया है, बस नाम दे दिया गया है MIUI 10, लेकिन दोस्तों रैपर के अंदर आपको MIUI 9 ही मिलता है, बस ऐसा सोच लीजिए। बस नोटिफिकेशन बार अलग है, बस आपको जो है रिसेंट बार अलग है, बाकी उसके अलावा आपको और कुछ ज्यादा चीजें नहीं मिलती है, बस इतना सोच लीजिए। तो फिर मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अभी आप लोग फ्लैश ना कीजिए, जब भी आपको फ्लैश करना होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब फ्लैश करना है, कौन सा रॉम फ्लैश करना है, और मैं आप लोगों को जरूर आप लोगों को नोटिफिकेशन देते रहूंगा कि कौन सा रॉम ज्यादा अच्छा है और किसमें ज्यादा फीचर्स है और आपको कौन सा रॉम फ्लैश करना चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों आज का मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। चलो भाई।